हिसाब से हैं और हुसैन सत्ती नाम है उनका, देखते हैं किस अंदाज से पढ़ के सुनाने वाले हैं वो, क्या वो जजिस को आज उनका एतिमाद हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क्या बात है हुसैन, बहुत 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 प्यारा पढ़ा है आपने। और ये वो वाले मोमेंट्स होते हैं जहाँ दिल करता है कि ये नात खत्म ना होती, खत्म ना हो, सुनता रहे। तो कैफियत बना दी इन्होंने माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल व्यूवर्स, मुझे अंदाजा है कि आप भी ये कैफियत फील कर सकते होंगे। लेकिन मजीद नेक्स्ट बच्चों को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान के खूबसूरत सेगमेंट जो कि मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिससे कि इससे पहले अब हमारे जवाद भाई ने कहा कि जो एबटाबाद के सुर का जो ज़खीरा है वो नज़र नहीं आ रहा, तो हुसैन सत्ती साहब ने बाखूबी पढ़ा और मेरा पसंदीदा कलाम पढ़ा। और वाकई उनके सुर, उनकी अदायगी, उनकी उतार चढ़ाव से उन्होंने ज़ाहिर किया कि जिस तैयारी के साथ आएँ और एबटाबाद का ज़खीरा जो नज़र आया। आइए चलते हैं जजिस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले न्याजी भाई की जानिब चलते हैं और देखते हैं उनकी क्या तासरात है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुसैन सत्ती साहब ने जो कलाम पढ़ा हमारे एक पेशावर के, बल्कि के पी के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सना खान
गुलाम हसन कादरी साहब पढ़ते थे, आज आपने उनकी याद ताज़ा कर, जिनको बुलबुल सरहद भी कहा जाता है, बेशक जिन्हें बुलबुल सरहद भी कहा जाता है। आजकल उनके बेटे जो हैं वो मीडिया पे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी शोहरत याफ्ता हैं, इमरान हसन कादरी साहब। तो आज आपने उनकी याद ताज़ा कर दी और जो कलाम पढ़ा आपने, गलतियाँ जो होती हैं वो इस्लाह के लिए होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने परफेक्ट पढ़ा है, हो सकता है कहीं सुनने वाले हों उन्होंने आपकी कोई बारीक पॉइंट्स देखे हों, लेकिन जैसे आपने इस कलाम को पढ़ा और जो आपकी आवाज़ में तासर था, एक कैफियत सी थी जो आपने पढ़ा ना, जो कतरा मांगे तू उसे दरिया दे दे, तो लग रहा था कि जैसे वाकई दरिया पे लहरें चल रही हों, आपकी आवाज़ ऐसी कैफियत पैदा कर रही थी। तो ये जो कोरोना का मसला हुआ हुआ, इसके मसला ना होता, प्रॉब्लम होती तो वहाँ मैं आके खुद आपको दाद देता। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और जितने बच्चे आए हैं आज तक हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है, तो मैं समझता हूँ कि आपने आज वाकई बहुत बेस्ट, न्याजी भाई ने खड़े होकर इनको दाद दी, क्या वो बात है, मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। अभी तक बहुत अच्छा, नाजरीन जजेस में से किसी ने इस तरह खड़े होकर दाद नहीं दी, आज न्याजी भाई ने खड़े होकर जो दाद दी माशाल्लाह, इनके तैयारी लग रही है जी। बहुत शुक्रिया न्याजी भाई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला आपको, मुबारकबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चलते हैं जवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि मैं कहता होता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि ये हज़ारा डिवीज़न की जो मट्टी है इसमें इतना सुर कहाँ से आया। हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की इतने सुर में पढ़ते हैं। मेरे पास आपके लिए कमेंट्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं आज। क्या बात है। तो आपने इंतहाई अच्छा पढ़ा, एक बहुत ही मुश्किल कलाम को बहुत आसान तरीके से पढ़ा और लग रहा था कि आपने इस कलाम पे बहुत ज़्यादा रियाज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो इतने अच्छे कमेंट्स और कम्प्लीमेंट्स सुनने के बाद मेरी आपको सलाह है कि आप आगे भी मेहनत करें और इस जो हमने आपकी तारीफ़ की है इसको अच्छे तरीके से लेके और मेहनत करें, ताकि आप आने वाले जो जितने भी राउंड्स हैं उनमें हम आपको देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आए, मेरे ख्याल से अभी तक की आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो सब में बेहतरीन थी। तो जैसा मैं रोज़ाना कहता होता हूँ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा पढ़ा आपने, बहुत उम्दा जी। अमानत भाई माशाल्लाह, हुसैन सती साहब ने बहुत ज़बरदस्त पढ़ा। जो नात के आगाज़ में जो अलाब इन्होंने उठाया मुझे वो बहुत पसंद आया, और सुर और लय पे काफ़ी दस्तर थी आपकी, बहुत ज़बरदस्त करके पढ़ा, एक इमोशनल फीलिंग महसूस हुई मुझे इस नात में, काफ़ी समा बन गया, समा सा बन गया था। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में उस्ताद जी का बस सारा, उनकी मेहनत है, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, मुस्तफ़ा साहब माशाल्लाह, उनकी मेहनत नज़र आ रही है माशाल्लाह, और आपकी भी मेहनत है माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए जी। नाज़रीन, अगर आप इनको फिर से, यकीनन मैं, मेरा दिल चाहता है मैं खुद भी इनको वोट कास्ट करूँ, और नेहा यकीनन आपका भी यही दिल कर रहा होगा।